हे गाइस, आई एम शिल्पी वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फुटवेयर कलेक्शन और मस्ट हैव फुटवेयर्स इन एवरी गर्ल्स वार्ड्रोब आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी मतलब नॉलेजबल लगेगी आपके लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि अगर आप बिगनर हो स्टार्ट कर रहे हो अपना फुटवेयर कलेक्शन मतलब बिल्ड करना अपना वार्ड्रोब बिल्ड करना तो आपके लिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाएगी क्योंकि मैंने आपसे पहले परचेज किया है कुछ चीज़ें तो उसके मैं प्रोज एंड कॉन्स भी बता सकूँगी कि मेरे पास जो जो फुटवेयर्स हैं आपको किस टाइप के फुटवेयर्स लेने चाहिए किस आउटफिट्स के साथ कैसे फुटवेयर्स जाते हैं एंड आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा एंड आपको पसंद भी आएगी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना एंड कॉमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट और कौन सा कलेक्शन चाहिए uh, मतलब देखना है आपको मेरा एंड uh, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माई चैनल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का So गाय सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास कितने फुटवेयर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे रखा हुआ है मैं फ्रंट कैम बैक कैमरे से दिखा देती हूँ उसके बाद मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने फुटवेयर्स मतलब क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है कैसे फुटवेयर्स आपके पास सो गाइस दीज आर ऑल माय फुटवेयर कलेक्शन बस इतने ही है ज़्यादा नहीं सो मैं स्टार्ट करती हूँ हील्स से क्योंकि मुझे हील्स बहुत ज़्यादा पसंद है ये मेरा लेटेस्ट मतलब एडिशन है मेरे फुटवेयरस में लेटेस्ट तो नहीं करूँगी एक साल मतलब होने वाले हैं ऑलमोस्ट इसके एंड ये मैंने अपनी शादी में लिया था बहुत काम आए थे गाइस मैंने इसको अपने इंगेजमेंट में लिया था एंड ये मेरा मैरिज में भी मतलब मेरे चल गया था लहंगे के साथ भी इवन गाउन के साथ भी और मैंने कलर uh, इसका इसलिए चूज़ किया था ये न्यूड मतलब बेज कलर इसको बोल सकते हैं आप ब्राउनिस बेज है प्लेटफॉर्म हील्स होने ही चाहिए आपके पास जो कि एक वर्सेटाइल हो आपके हर एक आउटफिट के साथ जाए आप इवन अगर साड़ी पहनते हो इंडियन आउटफिट पहनते हो वेस्टर्न आउटफिट पहनते हो सब के साथ जाएगा गाउन अगर आप पहनते हो या ही जीन्स के साथ भी इवन ये बेटर लगेगा क्योंकि ये मतलब मैं बोल रही हूँ ना आपको वर्सेटाइल है और ये स्टेल्टोज से मैंने लिया था स्टेलटोज ब्रांड uh, है मेरा साइज़ है थर्टी सिक्स आप अपने साइज के हिसाब से ले सकते हो so, स्टेल्टोज का ये है कि आपको दिल्ली में अगर आप रहते हो तो आपको इसके बहुत सारे स्टोर रूम स्टोर्स भी मिल जाएंगे मैंने इसको सोई नगर मार्केट में है ये स्टेल्टोज का एक स्टोरूम तो मैंने वहाँ से परचेज किया था एंड ये ऑलमोस्ट मुझे थ्री थाउजेंड के अंदर अंदर मिल गया था मतलब इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं अगर बाटा का आप लेने जाओगे तो आपको फाइव थाउजेंड तक मिल जाएगा इस टाइप का हील्स क्योंकि मैंने बाटा के लिए हैं बहुत सारे तो फाइव थाउजेंड से तो नीचे होते ही नहीं है बट ये मुझे अच्छा लगा जब मैं वहाँ पे शोरूम में गई तो मुझे परफेक्ट लगा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा चलने वाला है मेरे लिए तो मैंने ये परचेज कर लिया दिखाती हूँ जो अगेन मेरा फेवरेट है दिस इज अगेन अ प्लेटफॉर्म हील्स बट पॉइंटेड प्लेटफॉर्म इसको बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं मुझे मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है बट ये भी बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल और मोस्ट यूज वाला जो uh, मैं बोल सकती हूँ आपको प्राइसी साइज में है uh, प्राइसी साइड में है ये सिक्स थाउजेंड के थे आई थिंक जब मैंने इसको परचेज किया था मेरे पास इसमें का एक ब्लैक है एंड एक दिस पिंकिश न्यूड कलर है ये पिंक थोड़ा ज्यादा टोन में जाता है न्यूड एकदम नहीं बोलेंगे ये पिंक कलर में ज्यादा जाता है एंड दिस इज फ्रॉम बाटा बाटा का एलिज कौन सा ब्रांड है ये पता नहीं क्या इसमें लिखा हुआ है बट आपको बाटा के शोरूम में ज़रूर पक्का टंगा हुआ मिल जाएगा मतलब टंगा हुआ रखा हुआ मिल जाएगा इवन आप बाटा का अगर ऐसे सर्च करोगे ऑनलाइन तो भी आपको मिल जाएगा मिंत्रा पर मिल जाएगा एमेज़ॉन पर मिल जाएगा लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी जो भी ऑनलाइन लिंक्स मिलेंगे प्लस प्लस अगर आप जाके शोरूम में देखना चाहते हो मतलब वहाँ से ट्राई करके लेना चाहते हो तो भी आपके लिए बेस्ट होगा आप ज़रूर एक बार ट्राई करना बाटा के शूज़ बहुत अच्छे होते हैं और अगर इवन आप अगर हील्स लेना चाहते हो तो आप ज़रूर बाटा पे जा सकते हो क्योंकि मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ ब्लैक मेरा घर पे रखा हुआ है मतलब मैंने मायके में ही छोड़ दिया था उसको तो वहाँ पे ही रखा हुआ है ये मेरे पास यहीं पे रखा हुआ था तो मैंने आपको दिखा दिया उसकी पिक्स मैं ऐड कर दूंगी जो ब्लैक वाला है क्योंकि ब्लैक वाला मैंने बहुत पहना है क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ चला जाता है तो ये भी हर आउटफिट के साथ चला जाता है बट इसको मैंने कम पहना था एज़ कम्पेयर टू दैट वन सो ये दोनों अगेन आपको एथनिक वेयर के साथ चले जाएंगे अगेन वर्सेटाइल पीस है यार अगर आप सिंपल जीन्स एंड टी शर्ट पहनते हो ना तो भी इसके साथ बहुत ही मस्त लगता है इवन अगर आप गाउन पहनते हो या फिर साड़ी पहनते हो सूट पहनते हो कुछ भी पहनते हो आप एथनिक वेस्टर्न कुछ भी पहनते हो आपके साथ बहुत स्कर्ट्स के साथ भी बहुत ही कूल cool लगता है कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर प्रेफर करते हो कंफर्टेबल हील दिखाना चाहती हूँ बट आपके पास होने चाहिए क्योंकि अगर आप आ, थोड़ा सा फैशन में ज़्यादा बिलीव करते हो तो आपके पास इस टाइप के हील्स होने चाहिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी कंफर्टेबल मैं उनको नहीं बोलूँगी बट ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं दीज आर पॉइंटेड हील्स एंड ये वाला जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये वाला पार्ट जो आगे से थोड़े से पॉइंटेड होते हैं ना शूज़ वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइट ऐड करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट लुक प्रोवाइड करते हैं अगर आप जीन्स वगैरह के साथ पहनते हो या फिर आप ऑफिस वेयर के साथ पहनते हो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे लगते हैं एकदम मैं क्या ही बताऊँ मैं आपके को पिक्स यहाँ पे ऐड करके दिखा दूंगी और इस टाइप के अगर आप हील्स लेते हो ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देते हैं अगेन इसको आप साड़ी वगैरह के साथ भी कैरी कर सकते हो बट मैं इनको कंफर्टेबल नहीं बोलूँगी क्योंकि फैशन वाइज तो आप देख सकते हो यार पॉइंटेड हील्स हैं बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हैं ये सो बहुत ज़्यादा केयरफुल भी होना पड़ेगा आगे से भी थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि ये एकदम से ना पॉइंटेड है तो अगर आपके ब्रॉड आगे का शूज़ आपके पैर का एरिया अगर ब्रॉड हो तो आप इस तरह के शूज़ थोड़ा अवॉइड करो क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपके पैर मुड़ने के या फिर उसमें थोड़े से लगने के चांसेस भी हो सकते हैं सो इट टोटली अप टू यू कि आप किस तरह के प्रेफर करते हो बट मैं ये बोलूंगी कि आपके पास होने चाहिए एक ब्लैक इस तरह के पॉइंटेड हील्स ये ना काम आते हैं कभी कभी आपको मन किया ड्रेस अप करने का तो आप जीन्स के साथ अगर पहन लोगे ना थोड़ा सा पार्टी वार्टी में एक दो घंटे के लिए आपको कहीं जाना है तो बहुत अच्छे लगते हैं एंड दीज आर फ्रॉम शीन मैंने शीन डॉट कॉम से परचेज किया था आई थिंक मुझे टू थाउजेंड के अंदर मिला था एंड इस टाइप के आपको थोड़े से और ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है मैं इनको प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि शीन अभी uh, फिर से रीलॉन्च हुआ है बट मैं इसको प्रिफर नहीं करूँगी कि आप शीन से जाके लो इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी भी नहीं है क्योंकि ये ना थोड़ी सी आ, क्या आ बोल रहे हैं उसको शाइनी शाइनी है मुझे थोड़ा न्यूज साइड पसंद है जैसे कि मतलब ज्यादा शाइन ना करे बट ये आ गया था तो मैंने इसको रख लिया था मतलब ठीक लगते हैं ऐसा ना ये खराब लगते हैं बट नॉट uh, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल तो मैं शीन से तो प्रेफर नहीं करूँगी बट आप क्लार्क्स में देख सकते हैं इस तरह के पॉइंटेड हील्स और वैन हुसैन के भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटेड हील्स हैं तो मैं उन सब के लिंक्स भी आपको अल्टरनेटिव लिंक्स दे दूँगी आप वहाँ से परचेज कर लेना मैं यहाँ पर भी फोटोज लगा दूँगी तो उस टाइप के आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप के हील्स आप कहाँ से ले सकते हो अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके पास होना चाहिए अगर आप बिल्ड करें अपना वॉलोप तो एंड गाइज मैंने जितने भी शूज लिए हैं वो एक दिन में मैंने परचेज नहीं किए हैं ऑलमोस्ट फोर ईयर्स हो गया जब से मैं ये परचेज कर रही हूँ मतलब मैं कलेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है अपने हील्स और मतलब कुछ भी मुझे कपड़े ये सब वॉलड्रोप बिल्ड करना मुझे बहुत पसंद है और मुझे अपने कपड़ों से एंड वार्ड्रोप <laughs> से बहुत ज़्यादा प्यार है मैं सोने चांदी ले लो लेकिन मेरे वार्ड्रोप uh, में हाथ मत लगाओ So, वो हील्स हो गए एंड जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है इस टाइप के शूज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं एंड वर्सटाइल भी है अगेन ये आपको uh, कम हील्स में भी मिल जाएंगे ज्यादा हील्स में भी मिल जाएंगे इवन फ्लैट्स में भी uh, ऐसे uh, क्या बोलते हैं इसको ट्रांसपेरेंट वाले शूज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इस टाइम पे फुटवेयर हील्स जो भी आप कह लो इनको Again, इसकी हाइट देखो आप आई थिंक थ्री थ्री और थ्री पॉइंट फाइव इंचेज हैं इस, इस हील्स के हाइट अगेन बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है गाइज हर एक आउटफिट के साथ जाएगा कम्फर्टेबल नहीं कहूँगी मैं क्योंकि इसमें मुझे डर लगता है क्योंकि ये ना ये प्लास्टिक का है और वट एवर जिस भी उस चीज का हो वैसे कभी धोखा तो नहीं दिया जितनी बार भी मैंने एक दो बार पहना है इसको बट मैं जितने भी आपको हील्स दिखा रही हूँ ना अपने सब भी वर्सेटाइल हैं आप इसको एथनिक वेयर वेस्टर्न वेयर सबके साथ पहन सकते हो एंड ये मैंने शीन डॉट कॉम से अगेन परचेज किया था Uh, मुझे आई थिंक टू थाउजेंड ढाई दो हजार ढाई हजार के मिले थे ये सो नाउ कमिंग टू दीज अब इसका नाम मैं भूल गई यार नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं बट इस टाइप के हील्स भी मतलब थोड़े से आपके जो थोड़े से हील्स वाले होने चाहिए वो भी आपके हो, पास होने चाहिए ब्लैक न्यूड जो भी आपका कलर मतलब आपका फेवरेट हो जो कि वर्सेटाइल कलर हो आपको उस कलर में ज़रूर लेना चाहिए परचेज़ करना चाहिए क्योंकि ये अगेन कंफर्टेबल भी होते हैं ज़्यादा हील्स भी नहीं होती है तो आप इनको कहीं भी पहन के जा सकते हो अगर आप कहीं शॉपिंग वगैरह भी करने जा रहे हो तो भी आप इसे पहन के जा सकते हो क्योंकि शॉपिंग वगैरह में क्या होता है थोड़ी देर लगती है सो इसका मटेरियल बहुत ही मतलब सही है सॉफ्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में अगेन मैंने ऐसे लोकल मार्केट से परचेज़ किया था ये शायद लाजपत नगर मार्केट हॉल में आपने देखा होगा ये वाला एंड ये मेरा लेटेस्ट परचेज है लेटेस्ट एडिशन ये भी बहुत अच्छा है एंड इसके ना मतलब आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको अजियो में एंड मिंत्रा पे अगेन हर एक वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन इस टाइप के मिल जाएंगे और अंडर थाउजेंड रुपीज़ में मिल जाएंगे तो आप अगेन परचेज कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा हाइट वाली हील्स नहीं पसंद है आप कंफर्टेबल नहीं होते हो या आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है और हील्स पसंद है आपको पहनना तो आप इस टाइप के हील्स पे जा सकते हो नेक्स्ट अभी मैंने आपको शो किया था ये वाला क्लियर हील्स तो मुझे ये हील्स बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल लगते थे मतलब पहन नहीं पाती थी मैं इसको क्योंकि हील्स के ज़्यादा थे तो मैंने इससे मिलता जुलता सिमिलर एक ये वाले हील्स ख़रीदे हैं इसका हाइट आप देखो इसका हाइट हील हाइट बहुत कम है टू इंचज़ हैं तो ये मैं आराम से पहन सकती हूँ और ये कंफर्टेबल भी अगेन है इसके जो कुशन बहुत ही अच्छे हैं इसका जो शो सोल जो भी बोलते हैं बहुत ही अच्छा है इस टाइप के हील्स भी आपके पास ज़रूर होने चाहिए इवन अगर आप न्यू आ, ये वाले क्लियर वाले ग्लासेस वाले नहीं लेना चाहते हो तो आप ब्लैक ले सकते हो उसमें से न्यूड ले सकते हो ये भी अगेन बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं एंड ये मैंने अगेन लाजपत नगर मार्केट से परचेज किया था लोकल आई थिंक मेरे 500 के अंदर था एंड ऑनलाइन भी आपको इस टाइप के तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं इस टाइप के शूज तो आप ले सकते हो अगर आप हील्स के लवर हो तो फ्लैट्स के हो तो आप आपको फिर ये भी नहीं पसंद आएगा बट अगर आप हील्स पसंद करते हो ज्यादा हील्स नहीं पसंद करते हो तो आप ये ले सकते हो बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है ये वाला पहनने में सो so, हील्स तो हो गए हमारे अब मैं बात करती हूं बूट्स के मैं लास्ट में फ्लैट्स और शूज में जाऊंगी सो गाइज वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस पार्ट में मैंने सारे हील्स को कवर किया है नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा फ्लैट शूज एंड बूट्स सो स्टे ट्यून एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक like करना कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी हील्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है और आप किस टाइप की हील्स और लेना चाहते हो परचेज करना चाहते हो या मैं अपने वार्ड्रोब में कौन से हील्स और एड कर सकती हूँ सो so आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना एंड वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाबा आई लव यू